नमस्कार कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये जनरल लव रीडिंग होगी, ये उनके लिए है जो नो कॉन्टैक्ट में है या जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है। किसी भी रीजन से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, दूरियाँ बनी हुई, तो सिर्फ और सिर्फ ये उनके लिए है। और ये 11 से 17 फरवरी के लिए वैलिड होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें उसके साथ देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन, जो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आगे देखेंगे वो क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के प्रति फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो कैप्रिकॉन, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रही है। काफ़ी नेगेटिव ये रिश्ता रहा है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी घर से बाहर निकाला जा रहा है, कभी वापस लाया जा रहा है। ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को वापस बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, कामयाब करना है, तो जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो सबसे पहले एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना पड़ेगा। भले ही वो अंधविश्वास ना करें, इतना विश्वास ना करें, लेकिन जो किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जिससे चीज़ें खराब होती हैं, रिश्ते में प्रॉब्लम आती है, तो वो विश्वास तो उन्हें करना ही पड़ेगा। और वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें हीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए हीलिंग करनी इसमें ज़रूरी है। तो हीलिंग वो अपने लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं। और इसमें वो महसूस कर रहे हैं कि अगर समय रहते इस रिश्ते में एक डिसीजन लिया जाता है, भले ही वो डिसीज़न लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन समय रहते एक डिसीजन लिया जाता तो चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अगर वो नहीं रिश्ता चाहते तो इस रिश्ते को छोड़ते हुए हीलिंग करें, मेडिटेशन करें और नए रिश्ते की तरफ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए रिश्ते की तरफ रुझान करें, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली उनकी वहाँ हो सके। तो अगर जैसा कैप्रिकॉन के जो पर्सन है वो यही फील कर रहे हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा और समय रहते इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा हीलिंग मेडिटेशन के बाद, क्योंकि उन्हें हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो है इस रिश्ते में जो परेशानी, दुख के बादल रहे हैं वो ख़त्म होंगे और ये रिश्ता हील होगा। इस रिश्ते को हील करने की ज़रूरत है, फ्रूटफुल बनाने की ज़रूरत है, कामयाबी की तरफ बढ़ाने की ज़रूरत है। देखते हैं कैप्रिकॉन के वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफॉन्ट एंड द स्टार। तो कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि हीलिंग मेडिटेशन के बाद, मतलब कि या तो किसी हीलर से मिलना चाहिए या किसी नॉन पर्सन की इसमें मदद लेनी चाहिए, जो इस रिश्ते को दोनों तरफ से जानते हैं। क्योंकि अगर इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग मेडिटेशन होगा, तो जो भी कंफ्यूजन, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें रही हैं वो सारी ख़त्म होंगी। क्योंकि ये रिश्ता, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि बिल्कुल नेगेटिव रहा है, इस रिश्ते में कुछ भी आगे बढ़ने के लिए नहीं बचा था। तो अगर हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते में
किसी एल्डर गुरु की या किसी सुपीरियर की मदद लेते हुए अगर एक बिगनिंग एक शुरुआत की जाती है तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है गोल्डन स्टार हो सकता है, यानी कि नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। और ये जो रुका हुआ रिश्ता है, जो एक दूसरे तरफ दोनों तरफ से ही वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो धीरे धीरे करके समय उनके फेवर में आ सकता है। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर आप, क्योंकि इस रिश्ते में वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता हो सकता है अगर दोबारा इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत की जाती है। तो वो इस रिश्ते में किसी सुपीरियर या एल्डर की मदद लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि अगर वो उनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, और अगर दूसरे रिलीजन के हैं, दूसरी कास्ट के हैं, दूसरे धर्म के हैं, तो उनका वो वेट और इंतज़ार ना करें। वो अगर नई अपॉर्चुनिटी, नया पार्टनर उन्हें मिल रहा है तो वो उसकी तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो अदर कास्ट या अदर रिलीजन में शादी करना पसंद नहीं करते। और अगर वो रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें। धीरे धीरे करके चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, रिश्ता कामयाब होगा और सक्सेसफुल होगा। लेकिन समय को समय चाहिए, वक्त चाहिए, चीज़ें अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगी, एकदम से आगे नहीं बढ़ सकती। तो जो दोनों तरफ से वेट और इंतज़ार हो रहा है, या तो कैप्रिकॉन बहुत वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, या तो फिर आप वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है दोनों तरफ से ही हो रहा है। तो एक दूसरे के प्रति महसूस कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ें, फिर से इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएं, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो दोनों तरफ से ही वेट और इंतज़ार हो रहा है, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो इसलिए किसी गुरु, मेंटोर या सुपीरियर की मदद लेते हुए अगर रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करके जो है किले सिकवे दूर होंगे, और समय और वक्त के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा और काफ़ी सक्सेसफुल होगा। इसमें एक्शन क्या लेंगे देखते हैं। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं? 11 से 17 के बीच में क्या एक्शन लेंगे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स। तो कुछ केसेस में हो सकता कि अभी वो चाहते हैं कि आप अपने परिवार और फैमिली के साथ मस्त रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, तभी क्योंकि वो इस रिश्ते में रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगिनिंग एक शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो सिंगल रहते हुए, यानी कि फिर से इस रिश्ते में ना जाते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता जो है अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू होगा। तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, इसलिए अभी वो चाहते हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही इसमें एक बिगिनिंग एक शुरुआत हो, ताकि आगे जाकर ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन सके, प्यार और प्रेम बढ़ सके, खुशियाँ ही खुशियाँ आ सकें। इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं, अकेला रहते हुए अपने पैरों पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, तब तक वो अपने परिवार और फैमिली के साथ थोड़ा सा समय बिताएं, एक दूसरे के साथ घूमें। अगर बहुत दिनों से छुट्टियां नहीं ली हैं तो, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज में है, तो वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें और हिल स्टेशन पर जाएं, या ऐसी पार्टीज में जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, जहां भी उनको दिल की तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, पीस मिलता है, वहां जाएं, ताकि धीरे धीरे करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के बाद ये रिश्ता स्टेबल हो सके और खुशहाली में तब्दील हो सके, प्यार और प्रेम बढ़ सके और खुशियाँ ही खुशियाँ आ सके। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो सिंगल रहते हुए इसमें
अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होते हुए ही इसमें सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, या फिर वो चाहते हैं कि जब तक वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो उनके पर्सन को रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए ताकि ये परिवार एक फैमिली एक परिवार बन सके और इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो अभी फिलहाल के लिए वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी वो खुद को प्रिपेयर और रेडी करना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। द फूल, एस ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही यही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा इमोशंस में ना बहें, समय के साथ फ्लो के साथ बहें, इसमें जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, जंप ना लगाएं। अगर आपको इस रिश्ते में बढ़ना है तो सबसे पहले ये जो लड़ाई झगड़ा फाइट्स जो ड्रामा चल रहा है, इस लड़ाई झगड़े को इस परेशानी को इस दुविधा को ख़त्म करें और सोच विचार करके ही इसमें एक्शन लें ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाबी की तरफ बढ़ सके। और दूसरी तरफ अगर आप इस रिश्ते में आपको लगता है कि काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, एंजाइटी स्ट्रेस है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि एक से ज़्यादा भी पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं इस लड़ाई झगड़े को बढ़ाने में, इस रिश्ते को नाकामयाब करने में, तो अगर उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर दिया जाता है और समय के साथ थोड़ा सा रिस्क उठा लेते हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं, ज़्यादा इमोशंस में नहीं बात बहते, यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसके साथ एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, खुशहाली में तब्दील हो सकती है और रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुल कामयाब हो सकता है। गुड न्यूज़ गुड मैसेज ये आपके लिए हो सकता है। तो और अगर आप नए पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ आप इस लड़ाई झगड़े फाइट्स को ख़त्म करते हुए नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी एक बिगनिंग एक शुरुआत कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अगर रिश्ता मिल रहा है तो उसकी तरफ भी आप रुझान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ही नहीं। तो हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।